अस्सलाम वालेकुम हरीम ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं व्लॉग ऑफ द डे। There are some days when you feel very lazy. Has this ever happened to you? So, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, कुछ खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा था। दिल करता बस खामोशी हो, मैं हूँ और बैठो। लेकिन जी बच्चे बच्चे ऐसा नहीं करने देते। बच्चों की अपनी दुनिया है, बच्चों को चाहिए फ़न, बच्चों को चाहिए कुछ एक्टिविटीज़। और अगर वो घर पे हों, समर वेकेशंस हों, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में तो बहुत गर्मी थी, हमने सोचा अब दिन तो गुजर ही गया, अब शाम में बच्चों को लेके जाते हैं ताकि रात को सुकून रहे। हम बच्चों को लेकर आगे कैपिटल मॉल में। अच्छा, जब मुझे याद है जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी कैपिटल मॉल में, यूं ही मैं बल्कि नई नई आई थी और मेरे हस्बैंड मुझे कैपिटल मॉल में लेकर आया, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था ये मॉल। मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये कौन सी जगह पर ले आया, इतनी सुनसान जगह, इतना सुनसान मॉल, क्या मॉल भी इतना सुनसान हो सकता है। लेकिन जी आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल मॉल ने अपनी जगह बना ही ली मेरे दिल में। लेकिन जी लास्ट 2 मंथ से कैपिटल मॉल में शदीद रश होता है, पार्किंग भी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन आज का दिन हमारा कुछ लकी था, पार्किंग हमें बहुत इजीली मिल गई थी। तो यहाँ पे हरीम के बाबा गाड़ी पार्क कर रहे थे। और जी हरीम की नेवर एंडिंग फरमाइश है, मतलब हरीम की डिमांड्स इतनी होती हैं, जैसी घर से निकलती है हरीम को पता नहीं कितनी कितनी उसकी कोई इतनी लंबी लिस्ट होती है कि अगर हम लोग स्टार्ट कर दें कि हाँ इसको ये सब चीज़ें लेके देनी है, तो बस फिर इसी की चीज़ें ही आएंगी। और यहाँ पे हरीम और उसके बाबा के दरमियान में आई थिंक कोई एग्रीमेंट हो गया। मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे पहले जब भी मैं आती थी इतना सुनसान होता था ये, यहाँ पे कोई ब्रांड्स नहीं थे, सिर्फ एक लुलू हाइपरमार्केट था और अच्छा था। बच्चों के साथ यहाँ पे आना कंफर्टेबल लगता था क्योंकि खुला था और रश नहीं थी, इतनी गैदरिंग नहीं होती थी, तो बच्चों के साथ आपको ईजी लगता था कि आप ग्रोसरी कर रहे हो या कुछ। तो ये जगह मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। व्यू चेक कर रहे हैं आप, कितना जबरदस्त व्यू है। और आज मैंने एक बात रियलाइज किया कि अगर आपके बच्चे खुश हैं तो आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी कि ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं इनमें से कुछ भी ना लूँ। आप ये देखें, इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त बच्चों के टॉयज, 5 to 30 dirhams तक के टॉयज थे और ज़बरदस्त डेकोरेशंस। ज़बरदस्त कैंडल्स, डेकोरेशन पीसेस, फ्लावर्स, और ये 3 dirhams की थी, ओनली 3 dirhams। और ये फोटो फ्रेम्स भी 3 dirhams के थे और ये इतने अच्छे लगते हैं अगर आपके घर में गैलरी है, आप उसमें लगाएं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा, मेरा तो बहुत कुछ लेने का दिल करता, लेकिन वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और अगर आपके बच्चे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप किड सेक्शन में ना जाएं।
के 2 पीस स्लीपिंग सूट्स 10 दिरहम्स में लगे हुए थे, 10 दिरहम्स की 3 शर्ट्स लगी हुई थी, 10 दिरहम्स के 2 पजामा का पेयर्स लगे हुए थे। एंड द स्टफ ऑफ दीज क्लॉथ्स वॉज वेरी गुड एंड कम्फर्टेबल। इसीलिए सबसे पहले तो मैंने हरीम के लिए लिए, क्योंकि हरीम मुझे बहुत तंग करती है। जितना मुझे शौक है अपनी बेटी को फ्रॉक्स पहनाने का, पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनाने का, हरीम उतना ही भागती है। और ये चेक करें, पहले 35 दिरहम्स के थे और अभी 19 दिरहम्स के लगाए हुए थे इन्होंने। और हाशिम हमारे साथ जाए और बॉल ना लेकर आए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, इनकी बैग की कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त थी, और जो न्यूली मदर्स थी उनके लिए तो ये बैग बेस्ट है। इन बैग्स के साथ आप फैशन भी कर सकते हैं और इनको एज अ बेबी बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पेस भी इसके अंदर बहुत बहुत ज़बरदस्त स्पेस थी इनके अंदर। और ये चेक करें, ये कितने क्यूट लग रहे थे जिनके ऊपर बियर्ड लिखा हुआ है। इस वीडियो मैंने स्पेशल बनाई थी। हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़बरदस्त ऑफर्स लगी हुई थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जाएं और आपको कुछ अच्छा ऑफ़र में से कुछ मिले नहीं। ऐसे डिस्काउंट बहुत कम मिलते हैं यूएई में। एट द एंड जी, बच्चे भी थक चुके थे, हम भी थक चुके थे, हरीम के बाबा यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि लेना कुछ भी नहीं था और देखो ज़रा इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली। तो जी जनाब, ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पे फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेहगेमान।